अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग ठीक होंगे। मैं और अजीम भाई जा रहे हैं NMSU यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि अजीम भाई को लैब में थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ चलता हूँ, साथ में आपको उनकी यूनिवर्सिटी भी विज़िट करवाता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है NMSU जो कि लॉस कोर्सेज के अंदर है वो कैसी है। तो आइए चलते हैं। अभी जो है हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं मैं और अजीम भाई, तो आपको साथ में ये दिखाते हैं कि आप कैसे हैं यहाँ पर। तो ये जी बिल्कुल राइट साइड पर अपार्टमेंट स्टार्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने हैं। तो लेफ्ट साइड पे हगटी अपार्टमेंट्स हैं, राइट साइड पे ये जो हैं जी ये गार्डन विस्टा जो अपार्टमेंट्स हैं। तो ये 2 bedrooms अपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर। तो इनकी जो प्राइस है यहाँ पे $500 to $700 तक वेरी करती है 1 bedroom और 2 bedroom की। तो काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट कम्प्लेक्स जैसी है, बिल्कुल सामने अभी जा रहे हैं तो ये सामने भी अपार्टमेंट्स हैं। इनका नाम कैसा पहला है, तो ये काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। तो इनका आर्किटेक्चर ये चेक करें जरा, ये सारे ऑलमोस्ट ये जो डिज़ाइन है ये न्यू मेक्सिको का सिग्नेचर है आप कह सकते हैं। टीक टाइप जो है बिल्डिंग्स, जो बाहर वाली जो वॉल हैं वो ऐसी हैं लेकिन बनी तो सीमेंट की होती हैं, थोड़ी सी जो फ्रंट साइड वॉल्स हैं लेकिन उनका जो कलर है वो मट्टी गदमी जैसा कलर होता है। जो ये राइट साइड पे अपार्टमेंट्स आ रही हैं सिंगल ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस अपार्टमेंट्स है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। तो सामने जो है ये यूनिवर्सिटी है और ये जो पहली बिल्डिंग है ये आर्ट और म्यूज़िक वालों की है जो सामने नज़र आ रही थी। यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे और सिग्नल के बिल्कुल राइट साइड पर जो है स्टारबक्स है और लेफ्ट साइड पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। तो अभी हम यहाँ से इंटर हो रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। मेरी तो इस यूनिवर्सिटी के साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज अटैच हैं क्योंकि मैंने 1.5 इयर्स यहाँ पे गुजारे, बहुत मज़े का सफ़र था ज़िंदगी का, बहुत अच्छे लम्हात थे मेरे। वो बड़े अच्छे टाइम में US में आया था लेकिन उसके बाद जो है 1 ईयर्स के बाद कोविड आ गया, तो वर्क फ्रॉम होम था, क्लासेज ऑनलाइन थी, लेकिन यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। बिल्कुल ये राइट जैसे इंटर होते हैं राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है दरख्तों के बिल्कुल पीछे, ये है जी स्कीन हॉल। उसके बाद जो है वो साथ में GT हॉल है और ये GT हॉल राइट साइड पे है बिल्कुल, यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये जो कॉर्नर पे आ रहा है ये जेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, कुछ केमिकल क्लासेस होती हैं यहाँ पे, फूड डिपार्टमेंट जो है वो उनकी भी क्लासेज यहाँ यहीं पर होती हैं इस हॉल के अंदर। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ ये पार्क है, ये ग्राउंड है बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का। तो मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स है वो इसी के आसपास में है। तो जेट हॉल जैसे क्रॉस करते हैं तो ये जो है अगला गुडार्ड हॉल है, ये मैथमेटिक्स के लिए, इसके बिल्कुल जो पीछे है ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ये भी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पर, और कुछ रोबोटिक्स की लैब है यहाँ पर। अभी ये जो राइट साइड पर आ रहा है ये जो स्टेयर्स नज़र आ रही है बायोलॉजी डिपार्टमेंट, इसको फोस्टर हॉल कहते हैं यहाँ पर ये लोग। तो और आगे जो युवा सामने जो हमें नज़र आ रहा है ये योंग हॉल है, तो यहाँ पे जो है वो जो एयरफोर्स वगैरह की जो स्टडीज़ हैं वो होती हैं। और ये जो पीछे हमें ये क्लास नज़र आ रहे हैं तो ये इनकी लाइब्रेरी है। ये दरख्तों के जो पीछे नज़र आ हरमन जैकब है और ये गुथरी हॉल है, यहाँ पे स्टेट्स की MBA की क्लासेज होती हैं, जो बिल्कुल शीशे वाली बिल्डिंग आपको नज़र आई दरख्तों के पीछे। दरख्त माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये डब हॉल आ गया, यहाँ पे कुछ जियोलॉजी की क्लासेस हैं। और ये गार्डनर हॉल, यहाँ पे भी आपको जियो साइंस वाले आए मिलेंगे, सोइल डिपार्टमेंट की कुछ क्लासेस होती हैं यहाँ पे, कुछ लैब्स हैं इनके, मोस्टली जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो है जी क्लासेस हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर इनकी लैब्स हैं। एक चक्कर करके आइए पार्क जो ग्राउंड बना हुआ है, तो इसके ये इस साइड पर जो केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये भी बहुत अच्छी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे मैं बल्कि जब मैं यहाँ पहले जो फंडिंग मुझे मिली थी वो इंडस्ट्रियल में थी, जो सेकंड 1 ईयर की फंडिंग मिली वो इस डिपार्टमेंट से ही थी। ये बायोकेमिस्ट्री क्रॉस करते हैं तो ये साथ में ये म्यूज़िक बिल्डिंग जो आर्ट एंड साइंस वाली है, तो ये सारी ये म्यूज़िक बिल्डिंग है, इसमें म्यूज़िकल क्लासेज होती हैं। ये देखें यहाँ पर स्टॉल वगैरह भी लगते हैं इस हेड के नीचे। और इस पार्क में जब गर्मियाँ आता है तो ढोल ड्रम बीट्स बहुत ज़्यादा डांसिंग क्लासेज होती हैं, तो सारी ये इस ग्राउंड में होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है इनको देखने का। ये अभी हम यहाँ पे दोबारा आ गए हैं, ये है जी स्कीन हॉल, ये लिखा भी हुआ स्कीन हॉल। तो ये जो है डिपार्टमेंट ये इन्वायरमेंटल साइंसेस वालों का, और इसमें भी बायोलॉजी की कुछ क्लासेस हैं और साथ में सॉयल जियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले की कुछ क्लासेस हैं। ये GT हॉल है, GT हॉल में मैथमेटिक्स की क्लासेज होती हैं और सम क्लासेज फूड डिपार्टमेंट से भी हैं यहाँ पर। अजीम भाई ने बताया है कि NMSU जो है वो फेमस है एनिमल और एग्रीकल्चर के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इन दो फील्ड्स के अंदर। ये नील हॉल है, इसमें भी ये देखें ये भी एग्रीकल्चर वालों का ही ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ भी कुछ रिसर्च लैब्स हैं इनकी। ये सामने जो है ये मुझे इसका नाम भूल गया,
इस बिल्डिंग का, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो एडमिन वाले थे ये उनकी बिल्डिंग्स थी यहाँ पे। ये स्टकी हॉल आ गया, ये वाटर रिसोर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये उनकी, यहाँ पे क्लासेस और लैब्स हैं यहाँ पे। ये आर्किटेक्चर देखें वही मट्टी वाला जो है ना, ये न्यू मैक्सिको जो पहचान है तो वही लोग करते हैं, साइड से बना लिया इन्होंने इंटों का या कुछ भी मटेरियल का, तो उसको पेंट कर लेते हैं मिट्टी कलर का उसके ऊपर ना। ये भी एग्रीकल्चर की ही बिल्डिंग थी, पर जैसे ही ये एग्रीकल्चर की बिल्डिंग आप क्रॉस करते हैं तो ये हाउसिंग स्टार्ट हो जाती है NMSU की, जो ऑन कैंपस आप कह लें कि ये हाउसिंग है। बिल्कुल पीछे इनके पैटियो हैं, सिंगल बेडरूम और टू बेडरूम इनके अंदर भी अपार्टमेंट्स हैं, तो फ्रंट ये बैक पैटियो हर घर के अंदर। ये देखें पीछे बिल्कुल पैटियो, कपड़े भी टांगे हुए इन्होंने। तो इस तरह से ये पुराने हाउसिंग है, मतलब अराउंड 100 ईयर्स ये ओल्ड हैं ये वाले घर जो हैं। तो यहाँ पे जो रेंट्स वगैरह हैं वो अराउंड सिंगल बेडरूम टू बेडरूम वही $500 to $700 हैं यहाँ पे भी। तो मोस्टली जो है ये हर घर के फ्रंट पे एक गाड़ी की पार्किंग है, बाकी जो स्ट्रीट पार्किंग आप कर सकते हो यहाँ पे। और सामने जो है ये बच्चों के लिए हाउसिंग के साथ इन्होंने एक पार्क दिया, जहाँ पे बच्चे झूले वगैरह ले सकते हैं, पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, टेबल वगैरह लगे हुए यहाँ पे। वो सामने जो आपको कनोपी सी नज़र आ रही है व्हाइट कलर, वहाँ पे हमारा क्रिकेट का ग्राउंड था, फुटबॉल का ग्राउंड भी उधर ही है। तो ये पार्किंग बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी थी वाली, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट पार्क करते थे। और बिल्कुल बैक साइड पे इसके जो है वो इनका एक्टिविटी सेंटर है, तो वहाँ पे लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं और वहाँ पे जाके बच्चे कोई भी एक्टिविटी गेम खेलिए खेल सकते थे। और बिल्कुल यहाँ लेफ्ट साइड पे हैं, ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड था यहाँ पे। तो इसके बिल्कुल जो ये साथ बिल्डिंग है इसको ऑर्डिनल हॉल कहते हैं ये वाला, इसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन की क्लासेस वगैरह हैं। और वो जो पार्क था उसके अंदर हमारी ईद वगैरह स्पेशल आती थी, तो MSA यहाँ पे हमारी ईद ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की जो नमाज थी वहाँ पे अरेंज करती थी, क्योंकि मस्जिद में लॉस एंजेलिस के नेबरिंग में काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं, तो छोटे छोटे टाउन्स हैं तो वो आते थे, तो फिर मस्जिद में इतनी स्पेस नहीं होती थी, तो इसलिए हम उस ग्राउंड में अरेंज करते थे मस्जिद। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़रूरी ये वाली बिल्डिंग है, हर जो भी स्टूडेंट है वो आता ज़रूर है यहाँ पे, एगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्योंकि आते हैं ये अमेरिका के अंदर तो आपको अपना TB टेस्ट करवाना होता तो लाजमी आपको आना पड़ता है यहाँ पे, आपको इंश्योरेंस कार्ड वगैरह आपको यहाँ से। जैसे ही आप एगी हेल्थ सेंटर क्रॉस करते हैं तो ये साथ में लेफ्ट साइड पे जो नज़र आ रही है ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, तो ये पेड पार्किंग है। कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अंदर तो आपको अलाउ नहीं है पार्किंग करना गाड़ी की, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए पेड पार्किंग है। इसको हम ये जो लाइब्रेरी को जोहल लाइब्रेरी कहते हैं। तो NMSU में दो लाइब्रेरी हैं, यहाँ पर है और दूसरा जो है और दूसरी जो लाइब्रेरी है उसका नाम है ब्रेंसन लाइब्रेरी। तो दोनों लाइब्रेरी बहुत अच्छी हैं, अपना कार्ड दोगे आप बुक्स वगैरह जो भी आपको लेनी है वो ले सकते हो, अगर आपको बुक्स नहीं मिली आप ऑर्डर कर सकते हो इनके थ्रू, तो आपको बुक्स अरेंज कर। ये सामने जो है ये कॉर्बेट सेंटर है यूनिवर्सिटी का, ये बहुत बड़ा सेंटर है, इसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स की हैं एक्टिविटीज़, कुछ पढ़ने के लिए है, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, बच्चे ऑन कैंपस रहते हैं तो वो इनके यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट है अंदर, तो वो खाना वगैरह यहाँ से खा सकते हैं। और स्टूडेंट यूनियन वगैरह कोई भी किसी तरह की, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कोई भी स्टूडेंट यूनियन हो तो वो भी आप इसके अंदर अरेंज कर सकते हो। हॉल वगैरह बने हुए हैं तो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हम गैदरिंग करना चाह रहे हैं, कोई मीटअप है तो आप उसके लिए यहाँ से हॉल बुक करवा सकते हो। ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सारे एक्वेटिक सेंटर है, मतलब यहाँ पे पूल एरिया है। ये बिल्कुल जो आपको सामने ये जो ग्रीन शेड से नज़र आ रहा है यहाँ पे पूल है, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं पूल एक्टिविटीज़ करने के लिए, कोई भी पानी की एक्टिविटी है वो यहाँ पे है, आपको अपना स्टूडेंट कार्ड लेके आना, ये एक्टिविटी सेंटर है यहाँ पे। तो इसके अंदर भी कुछ गेम्स वगैरह हैं तो आप स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आके खेल सकते हैं, जिम है इसके अंदर प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। लेफ्ट साइड पे है ये भी हाउसिंग है स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है चामिसा विलेज, तो ये स्टूडेंट्स हाउसिंग है, तो ये थोड़ा सा फैंसी है, तो आप कह लेंगे इनका जो है रेंट वगैरह वो $700 to $800 पर मंथ है यहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग है अजीम भाई मुझे बता रहे हैं कि ये अंडर ग्रेड वालों के लिए हैं, मास्टर्स और ग्रेजुएट वाले जो बिल्डिंग्स में रहते हैं जो आपको मैं पहले दिखा के आया हूँ, जो सिंगल बेडरूम टू बेडरूम वाले अपार्टमेंट जिनके पीछे एक पैटियो भी था, तो वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मास्टर्स या PhD वाले वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स इन्होंने बनाया हुआ ये वाला, अराउंड कोई 200 के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे जो है। ये जी NMS का सॉफ्टबॉल का ग्राउंड है, तो ये देखें कितना प्यारा और कितना ग्रीन ग्राउंड नज़र आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पे अक्सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, कंपटीशन होते हैं, गेम्स वगैरह होती हैं यहाँ पे। और बिल्कुल ये जो साथ में ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जो है वेट ट्रेनिंग सेंटर है, जो प्लेयर्स वगैरह हैं वो उनके लिए जिम प्रॉपर बनाई गई है, उनके ट्रेनर हैं यहाँ पे। और वो जो सामने नज़र आ रही बिल्डिंग ये वाली, ये जो है ये इनका मेडिकल स्कूल है न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी का। ये जो मेडिकल कॉलेज है इसका नाम है ब्यूरल कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन,
तो ये बिल्कुल फ्रंट पे भी, इधर भी लिखा हुआ बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने। तो ये फाउंटेन जा रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और इनकी जो बिल्डिंग है अंदर से माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मेरे एक दोस्त साहब फरहान भाई, वो यहाँ पे स्टडी करते रहे हैं, तो उनके पास हम कभी भी आते थे लैब्स में, बहुत फैंसी लैब्स इनकी। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। तो मैं अजीम भाई से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे अजीम भाई, जब इन स्टेट पे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी कितनी फीस है यहाँ पे? सेमेस्टर की 30,000 to 35,000 dollars. तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं प्राइसेस का भी। भाई इंश्योरेंस कितनी है स्टूडेंट्स की यहाँ पे? ऑलमोस्ट $1,000 per semester आपकी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो 3500 के अलावा है वो जी। हाँ जी, और इसका मतलब $4,500 आपकी फीस बन जाती है यहाँ पे NMSU में। मैं बहुत मज़ा आया जी, इस बहुत मेमोरीज मेरी दोबारा रिवाइज हो गई NMSU को विजिट करते हुए। अजीम भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरे लिए कुछ टाइम निकाला और कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे भी ली हमने यूनिवर्सिटी की। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।